तो साथियों, अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हो अपने कैनरा बैंक अकाउंट का, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे बहुत आसान तरीके से आपको अपने एड्रेस को चेंज करना है, बहुत प्रॉपर तरीके से, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट बैंक के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी इशूज़ होते हैं, मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर आप अपने कैनरा बैंक अकाउंट में अपने एड्रेस को अपडेट करना चाहते हो लेकिन आपको नहीं पता कि इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने समय में हमारा एड्रेस अपडेट हो जाएगा, तो आज की वीडियो में आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है, तभी जाके आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म के बारे में। इस फॉर्म को कहां मिलेगा ये फॉर्म भाई, इसको फिल कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, बहुत प्रॉपर तरीके से। तो यहां पे ये फॉर्म आपको आपके बैंक ब्रांच में मिल जाएगा और आप चाहो तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को अपने गूगल क्रोम ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब हम इस फॉर्म को फिल करते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे ऊपर रिकॉर्ड दिख रहा होगा क्या, फॉर्म फॉर्म आपको यहाँ पर एड्रेस आपके पासबुक में दिया गया होगा, एड्रेस आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फिल कर देना है। टू द ब्रांच मैनेजर आपको यहाँ पर ब्रांच का नेम फिल करना है, जो भी आपकी ब्रांच का नेम आपके पासबुक में ही दिया गया होगा। पहले पेज पर प्रॉपर तरीके से ब्रांच का नाम आपको लिख देना है यहाँ पे। डियर सर मैडम, यहाँ पे आपको माय अकाउंट नंबर, आपको आपका अकाउंट नंबर लिखना है, आपकी पासबुक में दिया गया होगा, प्रॉपर तरीके से अकाउंट नंबर लिख दीजिए। कस्टमर आई डी अगर आपके पास है तो फिल करिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। फोन नंबर, मोबाइल नंबर, आपका जो अकाउंट में लगा हुआ मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए। ई मेल आई डी आपको प्रॉपर तरीके से लिख देनी है, जो भी मेल आई डी आप इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आपके अकाउंट में लगी हुई है, वो मेल आईडी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, ये तो थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसको हम फिल कर चुके हैं। अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पर। भाई प्रॉब्लम क्या है हमारी, प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिख रही होगी पांचवें नंबर पे, चेंज एड्रेस। प्लीज अपडेट द कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है इसको। प्लीज अपडेट द कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन रेजिडेंस ऑफिस इन योर रिकॉर्ड्स, आई एम वी आर एनक्लोजिंग प्रूफ ऑफ माई न्यू आवर ऑन न्यू एड्रेस, माई आवर न्यू एड्रेस इज, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आप एड्रेस अपडेट कराना चाह रहे हो। सिटी कौन सी है भाई, सिटी आपका शहर कौन सा, शहर लिख दीजिए। पिन कोड क्या है आपके एरिए का, टेलीफोन नंबर है अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर की सर्विस है, आपका टेलीफोन नंबर इस्तेमाल करते हो तो आप लिख दीजिए। मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो लिख दीजिए। ई मेल आई डी तो आपके पास होगी होगी, वो आपको प्रॉपर तरीके से मैंसन कर देना है। देखिए, अब यहाँ पर बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हम यहाँ पर कौन सा एड्रेस डाल दें और कैसे एड्रेस डाल दें, क्योंकि एड्रेस डालने के लिए मतलब हमारे पास कोई गवर्नमेंट आईडी तो होनी ही चाहिए। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट आईडी है तभी जाके आप अपना एड्रेस प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपडेट करा सकते हो या फिर आप इसको मेंशन करा सकते हो। तो कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी आपको ले लेनी, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, जो भी आपके पास है वो आपको लेकर चलना है और जो एड्रेस उसमें लिखा हुआ है वही एड्रेस आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है, तब जाके आपका एड्रेस बिल्कुल हाल के हाल ही अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे चुके हो। चलिए, अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। दूसरे वाले पेज पर आ जाइए, डेबिट कार्ड के रिकॉर्डिंग है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है यहाँ पे, इंटरनेट बैंकिंग के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है आपको, फिक्स डिपॉजिट के रिगार्डिंग कोई समस्या है आपको, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर दी गई है डेट, डेट आपको उसी दिन की फिल करनी है जिस दिन आप ये फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करोगे। सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर, सिग्नेचर आपको वही करने जो आपके खाते में लगे हुए हों, वरना बहुत से भाई बंधुओं को मैं देखता हूँ जल्दबाजी में कुछ भी सिग्नेचर करते हैं, फिर कहते हैं सर मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई है, आपने गलत वीडियो बताई है, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। तो भाई आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, सिग्नेचर आपको बिल्कुल सही सही करने हैं और वही सिग्नेचर करने हैं जो कि आपके खाते में लगे हुए हों। आपको गलत सिग्नेचर नहीं करने हैं, अगर आप गलत सिग्नेचर कर दोगे तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सीधी सी बात है, वो जमा कर लेंगे बाद में रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि आपके सिग्नेचर उनके सिस्टम से मैच नहीं खाएंगे तो आपको फॉर्म हटा देंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आपको वही सिग्नेचर करने जो कि आपके खाते में लगे हुए हों बहुत प्रॉपर तरीके से। यहां पे अब सिग्नेचर करने के बाद देखिए, बहुत सी सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि हम अपने सिग्नेचर भूल जाते हैं, अकाउंट में आपके कौन से सिग्नेचर लगे हुए हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपना आधार कार्ड लेकर आपके बैंक एम्प्लॉय से मिलना है और कहना सर मेरे सिग्नेचर वेरीफाई कर दीजिए, आपके सिग्नेचर वेरीफाइड हो जाएंगे और अब आप अपनी प्रोसेस को आगे प्रोसीड कर सकते हो। चलिए, अब ये तो थी आपकी प्रॉब्लम, आप मेंशन कर चुके हो, फॉर्म भी फिल हो चुका है, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे भाई, डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर तरीके से आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा लेनी है, एक पासबुक की फोटोकॉपी लगा लेनी है, तीनों को अटैच करके आपके आपके बैंक एम्प्लॉय को दे देना है।
और आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो एड्रेस के रिगार्डिंग जो समस्या है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। और देखिए एक बात और बता रहा हूँ मैं, आधार कार्ड आपको तभी लगाना है जब आप आधार कार्ड के बेसिस पर अपना एड्रेस चेंज करवा रहे हो। ये जो एड्रेस है आप अपने आधार कार्ड बेसिस पर अगर चेंज करवा रहे हो तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है, और अगर आप वोटर आईडी के बेसिस पर अपना एड्रेस चेंज करवा रहे हो तो वोटर आईडी लगानी, मतलब जिस भी गवर्नमेंट आईडी के बेसिस पर आप अपना एड्रेस चेंज करवाओ उसकी फोटोकॉपी आपको लेनी है। समझ गए हो आप? बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं करना, आप पिन लगा के अटैच करके इसको आपके बैंक एम्प्लॉय को दे देना है, वो कहना सर मेरा एड्रेस चेंज कर दीजिए, हाल के हाल आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।